हेलो, आप देखो ये हमारे मैक्स हैं। ये मैं इनके लिए क्या लेकर आई हूँ। अगर कभी भी आपके डॉग्स को कान में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह से वैक्स जम रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आप साफ़ करवाने के लिए बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो अब आप इसको घर पे कर सकते हैं। मेरे पास ये क्रीम है, हाइड्रोक्लोराइड क्रीम है, मैक्स के लिए लेकर आई हूँ मैं इसको। ये मतलब कान साफ़ करने के लिए है, तो किसी भी पेट्स के कान साफ़ कर सकते हैं आप इससे। बाहरी तरफ से अंदर नहीं जाना, इसको बहुत अंदर तक नहीं लगानी होती दवा आपको। इसको साफ़ करने के पहले अपने हाथ से, मतलब फिंगर्स से, मैक्स कह रही हूँ, अपने पेट्स के कान में लगा देनी है अच्छे से बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है गंदगी, आपकी उंगली जहाँ तक जा सकती है साफ़ करने में, तो आप इसको लगा देंगे। लगाने के बाद फिर आपको थोड़ी 15 मिनट बाद उसको किसी भी कपड़े या कॉटन से उसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। पूरी तरह से कान आप आपके पेट्स का साफ़ हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ भी किया है, अभी मैं लगाने जा रही हूँ इनके कान में। इनका मुंह देख लो, मुंह देखिए इनका। देखो दवा तो लगानी पड़ेगी, चाहे तुम कुछ भी करो। नो नो नो, देखो गुस्सा देख रहे हो, गुस्सा देख रहे हो, गुस्सा देखो। गुस्सा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनके मुंह पे दवा लग गई थी, मेरे से गलती से मुंह पे दवा लग गई थी, इसीलिए इन्होंने गुस्सा किया। बट मैंने अपनी सेफ्टी के लिए देखो लगा दिया लगा दिया है इनके मुंह पे रिबन। अब ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, मैंने कान में दवा लगाई है। और अब मैं इसको साफ़ करने जा रही हूँ दवा लगाने के बाद। देखिए थोड़ा सा कान में इसके बैग्स जम गया है बिल्कुल। अब मैं इसको आराम से निकाल सकती हूँ क्योंकि महाराज के कान में कोई भी अपना पुराना कपड़ा ले सकते हैं आप। देखो देखो देखो, दवा लगाने के बाद देख लो, देख देख लो मेरे कान, मैं कान साफ़ कर रही हूँ उसका। देखो मेरे इस हाथ से मैं इसका कान साफ़ कर रही हूँ, देखें आप। देखो कान साफ़ करवा जरा, इतना समस्या है मेरी जान को। अकेले ही मेरे को कान भी साफ़ करना है, अकेले ही मेरे को बाल भी कंघा करना है, नहलाना भी है महाराज को। देखिए गंदगी सूंघी जा रही है। बहुत सही बेटा, जब तक खून गिरे ना तब तक कैसे काम चलेगा। लाओ इस कान का भी, चलो इस कान की भी सफाई हो जाए बिल्कुल। ये देखिए, देखिए देखिए, सफाई करवाई जा रही है कान की। सफाई करवा लेता है बट मुंह पे लगने की वजह से दवा ना इसको गुस्सा आती है। स्मेल इसको बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी भी मेडिसिन की। मेडिसिन क्या है, किसी चीज़ की स्मेल नहीं पसंद है जल्दी से, इसीलिए महाराज मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, गुर्रा रहे थे कहा जाए तो। अटेंशन कर रहे थे, सावधान हो जाओ मैं काट सकता हूँ तुम्हें। हैं, तुमसे प्यार थोड़ी ना है, तुम बौला थोड़ी ना हो। तो देखो अभी इसके कान से देखिए हम आपको गंदगी, जबकि मैंने अभी 1 हफ्ते नहीं हुए थे इसका कान से मैंने साफ़ किया था, और देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा निकली हुई है। ये जो मेडिसिन होती है ये बिल्कुल मतलब ऑयल की तरह बिल्कुल पूरा कान साफ़ कर देती है। उसके बाद आप आराम से, आप कोई भी कपड़ा या कॉटन लेकर आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आपका डॉगी थोड़ा सा अग्रेसिव है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कांटे दौड़ रहा है, कान नहीं छूने दे रहा, तो आप उसके मुंह में लगाने वाला आता है ना, उसको आप लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर साफ करिए। मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आज ज़रूरत पड़ गई तो मैंने अपना हेयर रिबन लगा दिया। लो रिबन लगाने के बाद बड़ा सुकून मिलता है महाराज को कि अब मुझे ना बोलना है, ना बॉला पकड़नी है, ना खाना है, ना कुछ करना है, खाली मेरे को कान साफ कराना है। तो अब इनका कान पूरी तरह से ये देखिए साफ हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की, एक्चुअली मैं एक हाथ से फोन ली हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। लो लो, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ए ए मैक्स, सर रगड़ा जा रहा है, किनारों में सर रगड़े जा रहे हैं। मैक्स इधर आ जाओ, आ जाओ। इनका कान में साफ हो चुका है। ये देखो बॉल, तुम्हारी बॉल ये रखी है, ये बॉल, आ जाओ बॉल ले लो अपनी, ये इधर इधर बॉल।
देखो मतलब मुंह बंधा है लेकिन तब भी क्या हम बताएं। ऐसा जिद्दी डॉग कभी देखा है कहीं? देखो तुम्हारा कान साफ हो गया कि नहीं, सबको दिखा तो दो। इतना गुस्सा करके, इतनी नौटंकी करके, इतनी गर्मी लग रही है तुमको, तब जाके कहाँ से कान साफ हुआ तुम्हारा? देखिए पूरी तरह से साफ हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ यहाँ ब्लैक हो गया था, अब ये साफ हो चुका है बिल्कुल। और इनका ये फड़फड़ फड़फड़ करना नहीं बंद हो रहा है। एक्चुअली मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो मैं इसको रख कर मैं अच्छे साफ कर देती हूँ, ठीक है? फिर आपसे बाद में मिलते हैं। और ये बताना कि ओ शिट, कैसा लगा ये आपको मैक्स का आज गुस्सा? अधिकतर करता है, देखो शैतानी देख लीजिए, इसी में शैतानी आप देख लीजिए। ये इनका कॉम्ब है, ये इनकी बॉला है। अब मैं निकालने वाली नहीं हूँ, अब ये अपनी बॉल खुद निकालेंगे। ओके निकालो अपनी बॉल, बाय बाय।